में सर्व सांझी गुरुमत प्रचार संस्था द्वारा गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित दूसरे विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने गुरुवाणी से संगता को निहाल किया। वहीं देश प्रदेश से हजारों की संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने कीर्तन दरबार में भाग लेकर गुरुवाणी का आनंद उठाया और गुरु नानक देव जी के बताए सत्य मार्ग का अनुसरण करने का प्रण लिया। चलिए आपको दिखाते हैं कीर्तन दरबार के खूबसूरत दृश्य। हमने 550 साल गुरु नानक देव जी का जो स्मरण किया है उस विषय में ये समागम रखा गया है। गुरु नानक देव जी का जो उद्देश्य था, हमने उस उद्देश्य की पालना करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको एक ही सिरे में एक ही साथ चलने की हमारी ये कोशिश है कि जो गुरु नानक देव जी ने मार्ग बताया उसके हिसाब से हम चलें। हमारा एक उद्देश्य ये है कि सबको एक साथ में लेकर चलना, इंसानियत को ऊपर मानना, सभी धर्मों के ये संयोग से ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है। पूरा मनाया जा रहा है, इस दे सारिया संगत रल मिल के गुरु नानक देव जी ने 550 साल मना रहे हैं। साडा यही उद्देश्य है कि सारी संगत रल मिल के भाईचारे के नाल रहे। साडा शहर अज भाग्यशाली हो गया कि असी इतना वड्डा गुरु नानक देव जी का 550 साल मना रहे हैं। सानू अज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि साडे शहर में इन्ना वड्डा उपराला वीर जी दे नाल होया। आके हमारे को कीर्तन का आनंद लिया है। सारी इसमें देखा जा रहा है कि सारे धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब एकजुट होके यहाँ पे कीर्तन सुन रहे हैं और यहाँ से जो एक एकता की जो संदेश दिया जा रहा है सबको, एकजुट होने का और जो गुरु साहिब के बताए हुए रास्ते पे चलने का, गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का संदेश जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। और हम सब यहाँ प्रण कर रहे हैं कि हम जो गुरु साहब ने हमारे को जो रास्ता बताया है, गुरु साहब ने जो एकता की और आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया है उसको हम पूरा करते हुए सबके साथ आज के बाद चलेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।